अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलियाज कुजीन। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल अफीम की भाजी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है और ये सिर्फ सर्दियों में ही आती है फ्रेंड्स। तो आज हम यही बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें अफीम की भाजी लेकर इसको रफली इस तरह से चॉप कर लेना है। यहाँ हाथों से भी इसको तोड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम होती है। अच्छे से इसको धो लीजिएगा 4 से 5 बार। अब यहाँ पर हमने प्याज लिए है 3 बड़े, इनको काट लिया है हमने बारीक। एक पेन में हम पानी रख देते हैं उबलने के लिए। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। तो इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही यूज़ होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके साथ ही सिर्फ हम इसे 2 मसालों से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक डाल लेंगे इसमें। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है। लगातार हम प्याज चलाते रहेंगे जब तक कि फ्राई हो रही। इधर जो हमने पानी रखा था, देख सकते हैं इसमें भी बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें भाजी ऐड करना है। इसको मिक्स कर देते हैं एक बार अच्छे से और इसको बॉईल होने देंगे हम लगभग 10 मिनट के लिए। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे रख के बॉईल आने देना है। इसको कवर करके रख देंगे हम। और यहाँ पर जो प्याज है ये इसमें भी कलर चेंज होने लगा है, तो हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, भाजी जो है ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है और ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो बस इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, इसका पानी अलग कर लेंगे और एक बार फिर से इसमें ऊपर से भी और पानी डालते हुए इसको अच्छे से धो लेंगे। और इसका पानी हम जो है पूरा अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्याज है ये अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक बिल्कुल हल्की आंच पर। इन दोनों को हमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। अब भाजी ऐड कर देंगे हम इसमें और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और 3 से 4 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। तो हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करेंगे और बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है भाजी यहाँ पर। तो बस गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और हमारी टेस्टी सी अफीम की भाजी बनकर रेडी है। सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया लाजवाब सी रेसिपी है ये और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।